मुहिब्बुल फुकरा सूफी मोहम्मद सलीम शाह जकीउल्लाह इफ्तिखारी चिश्ती का 12वां उर्स मुबारक शुरू। जमुआ प्रखंड अंतर्गत साली पंचायत के चिश्त नगर कुसैया में मुहिब्बुल फुकरा सूफी मोहम्मद सलीम शाह जकीउल्लाह इफ्तिखारी चिश्ती का 12वां उर्स मुबारक 13 एवं 14 रमजान दिनांक 24 एवं 25 मार्च को मनाया जाएगा, जो कि दिनांक 24 मार्च को सरकारी चादर पोशी शाम इफ्तार पार्टी बात नमाज ईशा तकरीर नात खानी के साथ शुरू हो गई। 25 मार्च को गागर परिक्रमा एवं गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित कव्वाली पेश किया जाएगा। बताया जाता है कि यहां झारखंड बिहार बंगाल यूपी आदि से कसीर तादाद में बाबा के मुरीद एवं चाहने वाले आते हैं। बाबा सलीम शाह चिश्ती 13 रमजान को दुनिया से पर्दा कर गए थे, जिसको लेकर हर 13 रमजान को 12 साल से इनका उर्स मुबारक मनाया आता जा रहा है। तमाम प्रोग्राम हजरत सूफी इफ्तिखारुल हक सलीमी के सदारत में की जा रही है, जिसमें तमाम मुरीदीन अकीदतमंद एवं कौमी एकता कमेटी के सभी मेम्बरानों का भरपूर सहयोग है। साल की तरह इस साल भी कौमी एकता कमेटी के जरिए, जिसका बुनियाद बाबा अपने जीवन काल में ही रखे, उस कमेटी के माध्यम से उर्स कमेटी मनाया जाए। 12वां उर्स मुबारक है ये, और ख्वाजा कॉन्फ्रेंस जो है 54वां कॉन्फ्रेंस है। बाबा जब अपने जीवन काल में थे तो संत महात्मा का जो भारत का परंपरा रहा है, जो सूफियों का परंपरा रहा है कि पूरे इंसान को एक धागा में पिरो देना, इस पैगाम को बाबा अपने जीवन काल में घर घर पहुंचाने का प्रयास किए, हर मानव जाति को दिल को बनाने का काम किए, ना कि दल को बनाने का काम किए। और तमाम मजहब के लोग, चाहे वो किसी मजहब के लोग हों, किसी कम्युनिटी के लोग हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, अगड़े हों, पिछड़े हों, दलित हों, तमाम इंसानियत का बात कौमी एकता के माध्यम से बाबा अपने जीवन काल में करते थे, और अपने बाद अपने शिष्यों को भी ये पैगाम दिए, ये हिदायत दिए कि अब आने वाले समय तक जब तक धरती रहेगा उनके शिष्य को ये हिदायत है कि इंसानियत की बात करना है बिना धर्म भेदभाव। साल की तरह इस साल भी हमारे पीरो मुर्शिद और हम सबों के पीरो मुर्शिद हजरत मौलाना वसूफी मोहम्मद सलीम शाह जकीउल्लाही इफ्तिखारी कादरी चिश्ती का 12वां सालाना उर्स और 55वां ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस मनाया जा रहा है, जिसमें इस प्रांत और दूसरे प्रांत के सभी मजहब धर्म पंथ के लोगों की यहाँ पर आमद होती है और सभी भाईचारगी का सबूत देते हैं और सभी इस दरबार से अपने अपने मनोकामना को पूरी करते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर बगैर किसी भेदभाव के ये प्रोग्राम को मनाया जाता है। प्रोग्राम कुछ इस तरह है के 24/3/2024 को सुबह चादर पोशी, शाम इफ्तार पार्टी एवं रात्रि में कवि सम्मेलन, दिनांक 25 मार्च 2024 दिन सोमवार, गागर प्रक्रिया, दोपहर शाम इफ्तार पार्टी,
इफ्तार पार्टी वरात्रि में धार्मिक कव्वाली, उसके बाद फिर फातिहा खानी होगी, उसके बाद तकसीम तबरुकात किया जाएगा, उसके बाद ही प्रोग्राम को अपने अख्ताम तक पहुंचा दिया जाएगा।